XUV700 कार एक ऐसी कार होने वाली है जिसके मुताबिक अगर आप 20 से 25 लाख रुपए भी खर्च करते हो तो आपको पछतावा होने वाला नहीं है। बिकॉज अगर आप 20 से 25 लाख में XUV700 कार को परचेज करते हो तो आपको 60 से 65 लाख वाली कार की फीलिंग आने वाली है। तो उसी कार के बारे में बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में। मेरा नाम है सौरभ। जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि लॉन्च होने से पहले ही काफी चर्चित और इंडियन कस्टमर फेवरेट एसयूवी बन गई है, महिंद्रा XUV700 कार के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा ने पहले अपने XUV700 कार को नाम को रजिस्टर किया था, फिर इसके बाद डिजाइन और इसका लुक्स तैयार किया। अब टेस्टिंग के दौरान XUV700 कार को देखा गया है तो कंफर्म है कि महिंद्रा XUV700 कार जल्द ही इंडियन मार्केट में एंट्री लेगी, जिसमें हमें काफ़ी कुछ बेहतरीन लुक्स और काफ़ी यूनिक फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे महिंद्रा की अपकमिंग XUV700 कार से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, महिंद्रा XUV700 कार महिंद्रा का एक ऐसा प्रोडक्ट होने वाला है जिसमें ना तो कभी कस्टमर को दुखी होने पड़ेगा और ना ही XUV700 कार को चाहने वालों को, क्योंकि भाई इस कार में बहुत से ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट व्हीलबेस का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये XUV700 कार XUV500 से ज़्यादा लंबी, ऊंची और हाइट व्हीलबेस में देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कार काफ़ी दबंग स्टाइल और मस्कुलर लुक के साथ नज़र आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर ले इसके लुक्स और डिजाइन की, तो आने वाली महिंद्रा की XUV700 कार स्टाइल में काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ नज़र आएगी और लुक्स में आपको इस कार की बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक्स देखने को मिलने वाली है। इसके एक्सटीरियर फ्रंट लुक में आपको नया बम्पर के साथ न्यू डिजाइन क्रोम फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि महिंद्रा की वेजिंग के साथ लैस होगी और काफ़ी प्यारी होगी। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये XUV700 कार का फ्रंट लुक अल्ट्रो G4 के फ्रंट ग्रिल से मिलता है। खैर, इसके एक्सटीरियर लुक्स में आपको और क्या फीचर्स मिलते हैं उसके तरफ थोड़ा ध्यान दे तो इसके एक्सटीरियर लुक्स में आपको न्यू डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ ऊपर की तरफ आपको नई LED DRLs देखने को मिलेंगे। साथ ही रेयर में आपको नई LED टेल लाइट, शार्क फिन एंटीना, ORVM विद टर्न इंडिकेटर, SUV स्किड प्लेट फ्रंट एंड रेयर में। और बताया जा रहा है कि इस न्यू कार में आपको ड्यूअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है। और टायर के साथ आपको R17 R18 तक की बिल्कुल नए डिजाइन की अलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये तो हो गए इसके एक्सटीरियर की लुक की बात। बाकी अब बात आती है इसके इंजन्स पावर की, तो इसमें आपको इंजन्स पावर की, तो 2021 महिंद्रा की अपकमिंग XUV700 कार के इंजन्स में आपको BS6 नाम का 2.0 लीटर का M इंस्टॉलेशन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 190 bhp के करीब पावर, और साथ ही आपको 2.2 लीटर का M-HOC डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा जो कि 185 bhp के करीब पावर देगी। और ये BS6 दोनों इंजन आपको 6 स्पीड के मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड की ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। और इस नई SUV कार में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको XUV700 कार में मल्टीपल ड्राइविंग मोड के साथ साथ मल्टी ट्रैक्शन मोड की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वहीं थोड़ा ध्यान दे इसके इंटीरियर की तरफ, तो 2021 महिंद्रा की XUV700 कार के इंटीरियर को काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 10 इंच के करीब इनपुट सेट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है, जो कि कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस के एडवांस फीचर को सपोर्ट करेगा। और साथ ही आपको नए सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ महिंद्रा की वेजिंग के साथ एक मल्टी फोक स्टेयरिंग व्हील देखने मिलेगी, जो कि काफी सॉफ्ट होने के साथ साथ प्रीमियम होगी। और पावर स्टेयरिंग भी होगी, यानी पूरा विंडो कंट्रोल और पूरा म्यूजिक कंट्रोल आपके हाथों में होगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में लार्ज पैरोमिक सनरूफ, 10 इंच के करीब फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट स्टेबल ड्राइवर सीट, पुश-स्टार्ट स्टॉप बटन, हीटेड एंड वेंटेड सीट, ऑल सीट विद हेडरेस्ट, रियर सीट विद पावर सॉकेट, USB चार्जिंग, AC वेंट की ऑप्शन, 3-row सीटिंग लेआउट जो कि 6 सीटर और 7 सीटर में की ऑप्शन में आएगी,
साथ ही आपको एम्बियंट क्लाइमेट मोड, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने मिलेंगे। दोस्तों यहाँ बात आती है इसके सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी की, तो 2021 महिंद्रा की XUV 700 SUV कार के सेफ्टी में आपको ऑल एयर बैग, मल्टी एंगल व्यू रिवर्स पार्किंग कैमरा, हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, ऑटोमेटिक पार्किंग, एंटी थेप अलार्म सिस्टम, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेक, ऑल डिस्क ब्रेक, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक पार्किंग, हिल लॉन्च असिस्टेंट, डाउन हिल कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों वहीं फाइनली अब बात कर ले महिंद्रा की अपकमिंग XUV 700 SUV कार की इंडियन मार्केट में क्या प्राइस होने वाली है। तो अपकमिंग XUV 700 SUV कार की प्राइस इंडियन मार्केट में एक अनुमान के अनुसार 17 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में XUV महिंद्रा की 700 SUV कार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये महिंद्रा की तरफ से आने वाली XUV 700 SUV आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और अगर दोस्तों वीडियो में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।